लास्ट ईयर नवंबर के मेरी एडमिशन हुई कॉलेज के विच इस साल जो फरवरी के कॉलेज ऑफलाइन खुले तो उदों मैं दिल्ली आया तो मेरा कॉलेज दूसरा दिन से मैं बड़ा कमाल का एक तजर्बा होया। सो जो तुम नवी जगह पर आते हो नवे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के या नवी जॉब के भी जो जाते हो तो एकदम उ नवे नवे चेहरे होंगे ने वो याद करद थोड़ा टाइम लग जाता है ना तुम लिंक करते हो अच्छा ये वाले चेहरे का बंदे का यह नाम है एकदम मोटा नहके ये वाला नाम है ना ये सारी दाढ़ी है ये नाम है। सो वो ऑनलाइन में बच्चों देखा होया बच्चों ने भी एक दूसरे को देखा होया पर जो फिजिकली इन परसन असी एक दूसरे को मिलते हाँ तो वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। सो जो मेरा फर्स्ट डे सीगा तो मैं अपने क्लासमेट को मिलया वो हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट तो सीगा तो नाम है रवि तो असी नाल ही नेबरिंग स्टेट्स तो सीगे तो असी वधिया कनैक्ट कर लिया तो जो मैं दस्या कि वो दिन से जो हले तो चेहरे याद करने पे अच्छा ये रवि है यदा नाम अरहान है। सो अगले दिन की होया अगले दिन साड़ी क्लास सीगी तो पहली क्लास तो मैं भी 10 मिनट पहले आ गया कई सारे बच्चे क्लास में मान लो 10 मिनट पहला आके बैठ गए तो उदो कोविड वाले दिन से उदो मास्क कंपलसरी होंगे सो मैं भी मास्क पाया हुआ बच्चों ने भी मास्क पाया हुआ टीचर भी मास्क पा के पढ़ाते तो मैं एक मुंडा दिसिया मैं थोड़ी झलक पई कि शायद वो ही है हरियाणे वाला मुंडा है तो मैं उन्होंने मिलया मैं क्या हैलो रवि तो उन्हें क्या हाँ कहना हैलो इंद्रपाल मैं क्या कि सारे ने मास्क पाए हुए ने तो पछाणे नहीं जाता कोई तो उन्हें एक पता की क्या वो कहता है कि लेकिन आप तो दूर से ही चमकते हैं तो उदो मैं एहसास होया भी जो सिर पर निशान साहब लग्या होया साड़ी जी दस्तार है ये एक सुपर पावर है साड़ी सो आई रियलाइज आई हैड अ सुपर पावर तो मैं कोट बड़ा प्यारा बड़े पहले सुनिया सी तो मैं दिल्ली आके असली अर्थ समझ आया तो कोट हैगा कि सवेरे सवेरे असी दस्तार सजाते हाँ ते बाकी सारा दिन दस्तार सानू सजाती है जेकर मेरे नाल बोलोगे जी सवेरे सवेरे असी दस्तार सजाते हाँ ते सारा दिन दस्तार सानू सजाती है। सो ये एक एक्सपीरियंस है जितों मैनू बड़ा बड़ा माण वाली मैं फीलिंग आई मैं किस तरह के विरसे तो आ हूँ मैं अगे गल करांगा कि ये विरसे नू असी संभालिए किदां ते इहदी जिहड़ी वैल्यू है वह उस जो वैल्यूज है किमें सो पहला साड़ा फिजिकल एक यूनीक स्वरूप ना हो अंदरों भी हर सिख बड़ा ज़्यादा यूनीक हो सो मैं 5 पॉइंट्स लिखे ने तो मैं फटाफट उन्होंने गो थ्रू करने की कोशिश कराँगा। सब तो पहला जरा जी गल ने मेरी जर्नी के मैं हेल्प की उसी सहज पाठ तो काफ़ी संगत को पता होएगा सहज पाठ होंगे पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करना पहले अंक तो 1430 अंक तक सह एक होंगे अखंड अखंड पाठ जो असं एको बार करते हैं सहज पाठ होंगे भी हर रोज़ एक अंक करना 2 अंक करने 5 अंक 10 अंक करने जो समा लग्या उदो करना हौली हौली सहज न करना सहज पाठ तो सहज पाठ करद होंगे कि जो थोड़े तो आम जीवन में हो रहा होंगे वो जवाब तो सहज पाठ में मिलते हैं। तो आई थिंक मैम ने गल की भी पोलीटिकली अच्कल बड़िया टेंशन हुई हुई मैं याद है पता नहीं 10th में होंगे कि प्लस 1 में उदो भी कुछ इस तरह का माहौल बनया हुआ तो मैं भी बड़ा टेंस सीगा भी किवें सिचुएशन है तो किवें साइंस का पार उतारा होगा है ना कई कई बार इस तरह के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन सानू आते हैं। सो मैं सहज पाठ किया तो उदो बड़ा प्यारा फरमान आया तेरा एक नाम तारे संसार तेरा एक नाम तारे संसार तो मैं इन्नी इन्ना दिलासा मिले मैं कि इतों की पार उतारा होएगा है ना। सो जो मेरे मन में पूरे दिन के वलवले से वो सहज पाठ करके खत्म हो गए। इस तरह एक बार मेरी बोर्ड क्लास सी तो मैं बड़ा परेशान सीगा मेरा कॉन्फिडेंस भी बड़ा घटिया होया सी मैं सहज पाठ किया तो गुरमान आया अज भी मैं बड़ा ज़्यादा मोटीवेट करता है गुरमान सिंह कौन कहै तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहे एक बार नाल पढ़ोगे जी कौन कहै तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहे असी किनू कहना है असी अपने आप नू भी कहना है तो असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नू भी कहना है आओ एक बार असी अपनी अखां बंद करके अपने आप नू कहंदे हां कौन कहै तुम ते कछ नाही
तुम समर्थ अथाह हो। कौन कहता है कि तेरे तो कुछ नहीं हो सकता, तेरे विच अथाह समर्थ है। हुण एक बार असीं गुरु साहिब नूं कहिंदे आ, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समर्थ अथाह हो। सो सहज पाठ एक फर्स्ट पॉइंट है, जे साडी लाइफ विच स्पिरिचुअलिटी नहीं होएगी, जे असीं सिखी नहीं रूट्स दे नाल नहीं जुड़े होवांगे, बाणी साडी रूट है, साडी जड़ है, जे असीं उहदे नाल नहीं जुड़े होवांगे फिर बाकी गल्लां सारियां पिछे ने। दूसरा स्किल्स मैं लिखा सी, उहते काफ़ी गल हो चुकी है, पर मैनू लुधियाने दे आंटी जी दी गल याद आती है। कई स्टूडेंट्स भी ने पर वड्डी संगत विच बैठी है, वह आंटी जी की उम्र मेरे ख्याल 80 साल की हैगी है, तो 80 साल की उम्र में उन्होंने जूम चलाना सीखा है। कोई सोधर रहराज साहब की क्लास होंगी है शामी, उत्ते पहले रहराज साहब का पाठ होंगे, फिर विचारा होंदिया ने। पहले वो अपने बेटे को कहते होंगे सके कि मैं क्लास ला के दो मैं सुना, फिर उन्होंने एक दिन हल्लाशेरी दिखाई तो सीख लिया भी जूम से क्लास किवें ज्वाइन करिए, तो हूँ आप ही लगा लेंगे ने, तो उन्होंने भी बड़ी सैटिस्फैक्शन है, उन्होंने परिवार को भी बड़ी सैटिस्फैक्शन है। सो जो स्किल्स ने एक हरेक उम्र में सीखे जा सकते हैं, हर बंदा सीख सकता है, तो ये साढ़े काम को आसान बनाते हैं, सानू डायरेक्शन देते हैं। तीसरा मैं स्टडी का लिखा सीगा, तो बुक्स की गलते काफ़ी फोकस होया। मैं एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहवागा, मैं 10th तक एक स्कूल में पढ़िया, फिर मैं प्लस वन के मैं अपना स्कूल चेंज किया, तो 10th तक जो मैं जिस स्कूल में मैं पढ़िया उत्थे लाइब्रेरी होंगी सी, पर बड़े गिने चुने बच्चे लाइब्रेरी जाते होंगे सके। मैंने बुक्स पढ़ने का शौक से, मैं लाइब्रेरी जाता सी, पर दो चार बच्चे कभी दिख जाते हो भी या जी सबजैक्ट चल रहा होंगे सी, उसकी कोई किताब लैन आए होंगे सी, एक्सट्रा किताबा कोई टावा टावा पढ़ता सीगा। प्लस वन के मैं थोड़े व्डे स्कूल गया, तो उत्थे मैं देख के कल्चरल डिफरेंस देख के मैं हैरान होया भी जोड़े बच्चे एकेडेमिकली बहुते स्ट्रोंग नहीं भी है वो भी किताबा पढ़ रहे। एक मुंडा सी एवरेज जहा हों पर स्पोर्ट्स के काफ़ी अच्छा से, उस स्विमिंग में आई थिंक नैशनल लैवल से कुछ टूर्नामेंट लगा चुका, फुटबॉल में बड़ा अच्छा सगा। तो एक दिन मैं उन्होंने लाइब्रेरी में देखा, मैं क्या तू कि किताबा पढ़ता है, कहना मैं स्पोर्ट्स दिताबा पढ़ना, मैं हुसैन बोल्ट की बायोग्राफी पढ़ना। सो मैं एहसास होया भी रीडिंग एक कोई बहुत इंटैलीजेंट बच्चों का काम नहीं है, ये हर कोई रीडिंग कर सकता है, अपने इंटरस्ट के हिसाब न हरेक नूं रीडिंग करनी चाहिए है। चौथा मैं नैटवर्किंग लिखा सीगा, सो लिंकडिन की दीदी ने गल की है, लिंकडिन सानू जरूर वरतना चाहिए है, इंस्टाग्राम जिहड़े बच्चे वरतने ने उन्हों भी चंगी तरह तुसीं वरत के नैटवर्क कर सकते हो। तो ट्रेन दीदी ने कहा कि मैट्रो के सानू नैटवर्किंग करनी चाहिए है। मैं एक बार लुधियाने तो दिल्ली ट्रेन के आ रहा सीगा, तो मैंने एक कोई अंकल मिले साउथ के, उह सीगे ते असी गल्लां करन लग गए, तो सारा सफर असी गल्लां करते आए। वो साउथ के पता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर सीगे, ते उन्होंने जाते जाते मैं अपना नंबर देता, कहते मेरा नंबर लिख लै, जो भी फोन करेगा, जो तू कभी उत्थे आना होया या किसी भी चीज़ की तेनों लोड़ हुई तो तू मैं कॉल कर लवे, मैं मैंने अपना नाम दस दी दस दी भी असं इदा मिले सके, तो जिथे तक हैल्प हो सके मैं तेरी जरूर करूँगा। सो जिथे भी नैटवर्क बन सके तो वास्ते इस तरह की ऑर्गनाइजेशन असं ज्वाइन करिए, सिख करिए, ग्रोथ वर्गिया या मैम ने सिख बेसिक्स ऑफ सिखी की गल की है, जरूर किसी ना किसी ऑर्गनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करो, जो थोड़ा एक्सट्रा करिकुलर लैके जाता हो, तो अपनी क्लास के बच्चों को थोड़ा वध एक्सपोजर दिता हो, अल्टीमेटली लाइफ में काफ़ी अगे लैके जाएगा। तो लास्ट से मैं गुरबाणी में एक फरमान शेयर करना चाहवागा। मैं एक बार एक अंकल न कि जा रहा है, तो किसी पिंड जा रहे थे, दोनों पास खेत से, उन्होंने एक जनरल ऑब्जरवेशनल कमेंट दिता, कहते कि देखो धरती उही है, पानी भी उही है, उही मौसम सारी धरती पर आता है, कितने कोई फसल उगी हुई है, कितने कोई फसल उगी हुई है, कितने कोई दरखत लगे हुए हैं, कितने झाड़ियाँ ने, कितने बीज भी है, धरती उही है, उसे जो बीजोगे उग पाएगा। गुरबाणी इन्हों इस तरह कहती है, यह शरीर कर्म की धरती, शरीर भी एक धरती है, कि चीज़ की धरती है, कर्मा की धरती है, यह शरीर कर्म की धरती गुरमुख मथ मथ तत् कढ़ाइया, जो गुरमुख होंगे उन्होंने रिड़क रिड़क के रिड़क रिड़क के सोध सोध के वो कोई तत् कढ़ लैंदा है, कोई उन्होंने किसी लेखे लगा दिंदा है। सो यहोजे असी उच्चे निशाने रखिए,
पहले पंच की सेवा, कौम की सेवा, फिर सरबत की सेवा, सरबत का भला ओदी असी आस लैके चलीए। तो जिवें मैम ने कहा कि सेवा साड़ी डीएनए विच है, सानू सोशल सर्विस की भुख होनी चाहिए है। अल्टीमेटली साड़ा जीवन उदो सफला होएगा जो असी स्पिरिचुअली भी रिच होवांगे ते नाल दी नाल असी सरबत दे भले दी स्पिरिट भी रखते होवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।